नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, कि दो स्क्वायर नंबर है उनके बीच का नंबर्स कितने होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है अपना 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो हमें ये पता करना है कि हमारे पास 25 और 36 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं आते। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया था 2n का, तो n इसके अकॉर्डिंग कितना बना अपना 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जा 10। तो हमें काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि 25 से लेकर 36 के बीच में से हमें कितने नंबर फाइंड करने, तो हमें ऐसे काउंट नहीं करना पड़ा 26, 27, 28, 29, ये तो छोटे नंबर से तो काउंट हो गए नंबरिंग में। अगर मोर देन 100 से ऊपर का निकल जाए तो कैसे काउंट करोगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हमने 2n का, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 टू जा 10। क्लियर है। जैसे मान लिया मैंने लिखा आपके लिए, मान लिया 13 एंड 14 के बीच का देखू मान लिया मैं, ठीक है। तो n को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग 13 से, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नॉन परफेक्ट नंबर कौन कौन होंगे कि 2n, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 टू जा 20, 13 टू जा 26। तो ये तो वो थी जो प्रीवियस क्लास में हमने कर लिया था। कल का जब से वीडियो डिस्टर्ब होनी शुरू हुई थी उस समय का टॉपिक वापस चार करता हूं। उस समय मैंने लिखा था आपके लिए कि अगर मुझे नेचुरल नंबर्स दे रखे हो, कोई भी नेचुरल नंबर मोर देन वन की बात करें, तो अगर नेचुरल नंबर्स दे रखे हो और अगर ये कह दे कि इसका स्क्वायर ऑड नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग ऑड नंबर की फॉर्म में उसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए लिखते हैं स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एन एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स, वो भी कितने होंगे एन, वो भी कितने होंगे एन। जैसे मान लिया मुझे टू नंबर्स का सम चाहिए, स्क्वायर चाहिए, सॉरी टू का स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए मुझे टू का स्क्वायर। तो ऑड नंबर भी कितने लूंगा मैं, फर्स्ट टू यानी वन एंड थ्री। क्लियर। मुझे अगर थ्री का स्क्वायर चाहिएगा तो मैं लिखूंगा वन प्लस थ्री प्लस फाइव, थ्री का स्क्वायर नाइन। क्लियर है। मुझे अगर फोर का स्क्वायर चाहिए तो उसको ऑड फॉर्म में क्या करूंगा मैं, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, इट इक्वल्स टू 16। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये लिख के दे कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, अगर आपको इसको कैलकुलेशन रियलिटी में एडिशन करना नहीं है, बिना ऐड किए मुझे बताओ कि ये किसका स्क्वायर बनेगा, तो सिंपल सी बात है, वन टू थ्री फोर, फोर और नंबर से तो डायड कर दिया फोर का स्क्वायर 60। ठीक है। जैसे मान ली मैंने लिखा आपके लिए वन प्लस थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन और सेवनटीन, आपको ये कहोगे इसको ऐड करके बताओ, तो आप क्या करोगे, एक एक ऐड करने बैठोगे, उससे ज्यादा बेटर तरीका क्या, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन हो गए ना, इसमें से क्या बन गया नाइन का स्क्वायर, नाइन नाइन जा 81। क्लियर है। नाइन नाइन जा 81। मान ली मैं इससे बड़ी वैल्यू ले लेता अगर और इसमें, अभी तो 17 तक गया था मैं, मान ली मैं यहाँ 13 तक रुक जाऊंगा एक बार के लिए, तो वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन तक रुक गया। चलो मैं नंबर काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसमें से क्या बना एन नेचुरल नंबर कितने रहे अपने पास, सेवन, और सेवन का स्टोर 49। क्लियर है। तो सिंपल सिंपल से रूल से कुछ एक जिनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद अपना लास्ट कल का टॉपिक चला था, जब हमें कोई एक नंबर गिवन था और हमें ये कहा गया था कि इसका स्क्वायर फाइंड करो, कोई भी एक नंबर गिवन था और उसका स्क्वायर फाइंड करो, तो हमने इसको डिस्कस करना था। कल की क्लास की अभी वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई थी, उसका रीजन भी मेनली वही था कि एक तो इमेज बहुत ब्लर आ रही थी, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी, ना ही साउंड क्लियर आ रहा था, ना ही मेरी विजिबिलिटी आ रही थी, ठीक है, इस कारण उसको अपलोड नहीं किया। उसी रीजन से कल की क्लास को वापस रिपीट किया है मैंने, ठीक है,
और कल की क्लास का लास्ट टॉपिक था अपने पास, क्योंकि ये चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट किया है कॉल। ठीक है, क्वेश्चन था अपना कल का लास्ट, उसमें लिखा था मैंने फाइंड द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर, ये दिए हुए नंबर का हम लोग स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल सा मेथड बताया था आपको मैंने, उसमें एक पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी लगाई थी, a प्लस बी का स्क्वायर वो था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको रीड कर सकते हैं a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में भी, तो बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो इसी के कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया मैंने लिया 31 और मुझे चाहिए 31 का स्क्वायर निकालना है, तो हम 31 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 30+1 लिख सकते हैं, 30+1 भी इसको लिख सकते हैं, और उसका लगा दिया मैंने स्क्वायर। इट मीन्स इस कंडीशन में मेरा 30 क्या बन गया, ए और 1 बन गया मेरा बी। अगर इसी चीज को मैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें मुझे लगाना क्या पड़ेगा a स्क्वायर, a कौन है अपना यहाँ 30, a कौन था अपना 30, तो मैंने a की जगह क्या पुट किया 30 प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 का 2 फिर a, a कितना है अपने पास फिर 30, b कितना था अपना के 1 और फिर था b का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह ए की वैल्यू पुट की है, बी की जगह मैंने बी की वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, चलो 30 का स्क्वायर, इट मीन क्या था अपना 30 मल्टीप्लाई बाय 30, स्क्वायर का मतलब सेम डिजिट से मल्टीप्लाई तो होता था, फर्स्ट स्टेटमेंट ही वो था चैप्टर का 3×3 = 9, तो ये बन गया अपना 900 ना, तो यहाँ लिखा मैंने 900, 2 को 3 से किया 6, 6 को 1 से किया 6 और ये 10 का 10 ए प्लस 1 सबको ऐड कर दिया 961 इज माय आंसर। ठीक है, चलो एक कोशिश और करते हैं इसी के लिए। मान लिया मैंने लिख दिया 54 का स्क्वायर है ना, तो 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50+4, 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50+4, उसको मैंने क्या रीड किया 50+4। इस कंडीशन में मेरा ए किससे रिप्लेस हो गया कि 50 से, मेरा बी किससे रिप्लेस हुआ कि 4 से। यूजिंग आइडेंटिटी करें तो देखो ए का स्क्वायर, ए कौन था 50, तो बन गया मेरा 50 का स्क्वायर, फिर 2 का 2 फिर ए, ए मेरा 50, बी मेरा था 4 और b का स्क्वायर इट मीन 4 का स्क्वायर। क्लियर है, चलो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा ये। ठीक है, 50 का स्क्वायर यानी 2500। ठीक है, क्लियर है, 5×2 = 10 और 10×4 = 40 और ये 10 और था तो 400 बना अपना। ठीक है, और 4 का स्क्वायर बना 60। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले जीरो को भूल रहा हूँ अपने केवल माइंड में एक जगह सेट कर देता हूँ कि जीरो है हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर में 02 लगते हैं, ये सिंगल जीरो था तो सिंगल रीड करेंगे। मैंने पहले 5 का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर तो जनरली पता है सबको 25 होता है, और 10 का स्क्वायर 20, 5×2 = 10 किया, 10 को 4 से करते 40 लगा दिया, ये 50 का जीरो था हमारे पास एक और मैंने जीरो लगा दिया। कैलकुलेशन है, सिंपल मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो सबको ऐड करते हैं, तो 6, 1, 5, 4, 9 और ये 2, 2916 यानी 2916, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा 54 का स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। देखते हैं, बात करते हैं दिव्यांशु शर्मा से। हेलो, हाँ जी बेटा। हेलो सर, ये तो आपने फोन, हेलो, हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये बोलो बेटा, सर ये जो आपने बताया ये जो आपने निकालना स्क्वायर बताया है, ये 100 से ऊपर हो सकता है, कोई 100 से ऊपर?
अभी ले लेते हैं 100 के ऊपर का, 100 से ऊपर का नंबर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, अनम्यूट करो सर, म्यूट करो। चलो एक नंबर 100 से ऊपर का लेते हैं, ठीक है। मान ली मैंने लिया 103, ठीक है। हम लोग 103 को क्या लिख सकते थे, 100 + 3। 103 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ ए मेरा किससे रिप्लेस हो गया, 100 से, और बी किससे रिप्लेस हुआ मेरा, 3 से। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी चले चलते हैं। देखो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab और ये b का स्क्वायर। क्लियर है, चल 100। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 10 का स्क्वायर 20 थे तो 20 का स्क्वायर 40 जाएंगे। अदरवाइज आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके भी लेना आंसर, ठीक है। चलो ये वाले को 2 1 2 और 2 3 6, तो ये 600, और 3 का स्क्वायर बना अपना 9, करें मल्टीप्लाई 5 9 0 6 0 1। मैंने सीधा डायरेक्ट ऐड किया है, आप साइड में लिख के भी कर सकते हो ऐसे 9 0 6 0 1। क्लियर है, चलो। तो ये था अपना एक मेथड जिससे हमने केवल आइडेंटिटी का यूज किया और उसका स्क्वायर निकाल दिया। मैंने आइडेंटिटी आप दिए 2 टाइप की रखी थी, अच्छी थी, एक प्लस की और एक माइनस की। आप कोई भी लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर दो नंबर्स को सम के रूप में लिखो तो भी बेटर है, अगर दोनों नंबर्स को डिफरेंस के रूप में लिखते हो तो भी बेटर है। जैसे मान लिया मैंने आपको दे दिया स्क्वायर निकालने के लिए 99 का, तो 99 को आप 90 + 9 का स्क्वायर भी कर सकते हो, तो भी 99 ही होता है, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 100 - 1 का स्क्वायर, बात तो दोनों सेम ही है। मैं 99 को 90 + 9 लिखूं चाहे 100 - 1 लिखूं, दोनों के आंसर मेरे 99 ही बनने वाले हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, और उसको सॉल्व करूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उसमें अब तक जितने टॉपिक हमने सॉल्व किए हैं, यानी जितने टाइप्स के मेथड सीखे थे हमने, जो जो प्रॉपर्टी यूज की थी, सब के बारे में एक एक क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर फिर भी नहीं आता है तो उसके कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पास, और शायद उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक के बाद अपनी एनसीईआरटी को अगर हम लोग फॉलो करें, क्योंकि हम लोग मेन कैरिकुलम तो एनसीईआरटी का लेके ही चलेंगे आगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन का एक्स्ट्रा कर लें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन कैरिकुलम जो होगा वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते ही या नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते ही हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 उसका मैक्सिमम पार्ट कवर कर चुके होंगे, उसका मैक्सिमम पार्ट कवर कर चुके होंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, तो शायद आपने नाम सुना हुआ है पाइथागोरस थ्योरम का, है ना, जिसमें हम लोग ये लिखते थे कि जब राइट एंगल ट्रायंगल अपना बनता है तो इसको हम रीड करते थे बेस, ये होता था परपेंडिकुलर, और ये होता था अपना हाइपोटेनियस, है ना। अगर मैं बेस को मानू ए, परपेंडिकुलर को मानू स्मॉल बी, और हाइपोटेनियस को अगर मैं मानू सी, ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरा ए प्लस बी जो होगा वो सी के क्या होगा, इक्वल होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए, तो नो डाउट केवल ए बी और सी से काम नहीं चलेगा, हमें ए प्लस बी प्लस इसको टू सी दोनों के स्क्वायर भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो उसमें क्या होता है कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
वहां क्या होता है अपने पास कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, हम लोग इसी चीज को लेके चलेंगे आगे, हम लोग इसी चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जब बात करेंगे हम लोग, तो उस कंडीशन में ए बी और सी की फॉर्म लगाएंगे, सी बन जाएगा अपना हाइपोटेनियस, इसको बेस रीड किया, इसको परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में बनता है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। या फिर अगर मैं इसको एन की फॉर्म में रीड करूं, या एम की नेचुरल नंबर की फॉर्म में अगर इसको रीड करता हूं, तो उस कंडीशन में मेरा ये सी जो बनता है वो होता है एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये बनता है एन स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और ये बनता है अपना ट्वेल्व। इसका वेरिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसका वेरिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको डिटेल्ड नहीं जाएंगे। हमें केवल इतना दिया हुआ होगा कि एक तो हमें चेक करना पड़ेगा कि गिवन ट्रिपलेट जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का केवल एक सिंगल नंबर दे रखा होगा, हमें इसके बाकी के दो नंबर भी फाइंड करने पड़ेंगे। हमें एक सिंगल नंबर गिवन होगा और उस कंडीशन में हमें इसके अदर टू नंबर और फाइंड करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलो बात करते हैं इसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि चेक वेदर दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कि चेक करो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो उस कंडीशन में मान लिया मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया वन टू एंड थ्री का, है ना, वन टू एंड थ्री का। इस कंडीशन में मुझे लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, क्या लगाना है मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, लगा के देखें। अब आपको ये क्या पता चलेगा इसमें ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है? तो ए और बी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि जो सबसे ग्रेटर वैल्यू जो होगी, जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी उसको हम लोग सी इंडिकेट करेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारी क्या बनेगी, सी। चेक करें तो हेयर ए ले लिया, मान लिया मैंने वन, बी लिया टू, और सी क्या हो गया मेरा थ्री। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए हमारा। ए को किससे रिप्लेस किया हमने, वन से, बी को किससे रिप्लेस किया हमने कि टू से, और सी को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, थ्री से। तो देखो वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, और थ्री का स्क्वायर नाइन। फोर प्लस वन फाइव इज नॉट इक्वल नाइन, फाइव नाइन के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये गिवन नंबर जो था वन टू थ्री, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी नहीं। क्लियर है? क्या किया हमने, जो गिवन नंबर था वन टू थ्री, मैंने इसको लेट किया ए बी एंड सी। सी किसको लेना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है। सी किसको लेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन था यहाँ पर, थ्री था, तो मैंने इसको थ्री को क्या बना दिया, सी। ए और बी कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? फॉर्मूला कहां से लिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर पुट किया। ए की जगह वन का स्क्वायर, बी की जगह टू का स्क्वायर, सी की जगह थ्री का, कैलकुलेट किया। अगर एनएचएस आरएचएस पार्ट मेरे दोनों इक्वल हो जाते, इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता, अदरवाइज नहीं बना। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, मान लिया मैंने लिया थ्री फोर और फाइव। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन था कि फाइव, तो मैंने ए को बनाया थ्री, बी बना मेरा फोर, और सी किसके इक्वल आ गया, फाइव के। क्लियर है? चलो बढ़ते आगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट करें, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है अपना, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। तो देखो ए कौन सा अपना यहाँ के, थ्री, तो थ्री का स्क्वायर।
बी मुझे कितना मिला कि 4, तो 4 का स्क्वायर। सी कितना मिला मुझे कि 5, तो आया 5 का। क्लियर है? 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का 16, 5 का 25। तो वो 9 और 16 को जब ऐड करेंगे तो 25 बनेगा, और ये भी 25 के इक्वल ही बना। इट मीन्स गिवन क्वेश्चन क्या था हमारा कि 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 अपना क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्लियर है? इस क्लास के बाद असाइनमेंट मिलेगा, उसमें असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, टोटल लगभग 8-9 के आसपास क्वेश्चन होंगे, उनके भी सब पार्ट होंगे। ठीक है, करके देखना, बहुत सिंपल सा असाइनमेंट है, और उसी के बेस पर एनसीईआरटी का अपना 6.1 और 6.2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, ये तो था पाइथागोरियन ट्रिपलेट को चेक करना। ठीक है, गिवन पेयर जो दे रखा है ए बी और सी का, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पार्ट है या फिर नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट बनता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का केवल एक वन नंबर गिवन होता है, कोई भी एक नंबर दे दिया, पूछा हमसे फाइंड अदर टू नंबर ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, फाइंड अदर टू नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन नंबर इज गिवन। हमें एक नंबर दिया हुआ है और हमें अगर ये पूछा जाए कि बाकी के नंबर्स क्या होंगे, बाकी के नंबर्स इसके क्या होंगे, तो उस कंडीशन के लिए मान लिया मुझे एक गिवन नंबर था n इज इक्वल्स टू 3, कि मुझे एक n दे रखा है कि वो n मेरा 3 है, n दिया है, n का स्क्वायर दिया हुआ नहीं है। यस हेलो सर, बोलो बेटा। सर आपने ना स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में क्या करवाया था सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। तो बेटा लेट ज्वाइन हुआ तो मैं तो वही कह रहा, जो पहले प्रीवियस क्लास थी ना अपनी कल तक की, हाँ, उसी का रिवीजन दिया था, उसी का रिवीजन दिया था। ठीक बेटा, ओके सर, ओके। हाँ चलो देखो, हमने एक नंबर गिवन है n इक्वल्स टू 3, नंबर गिवन है नॉट स्क्वायर गिवन है। ठीक है, हमें उसका क्या मिला, सिर्फ एक नंबर मिला है, हमें उसका स्क्वायर मिला नहीं है। ठीक है, हमें उसका स्क्वायर नहीं मिला है, तो चलो बनाए नंबर को, करें पुट वैल्यू। तो फर्स्ट लिखा मैंने n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एन कौन सा अपना के 3 का स्क्वायर माइनस 1 उसका भी स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 उसका स्क्वायर कितना बना 8 का स्क्वायर होगा, और 8 का स्क्वायर कितना बना अपने पास 64। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 1 उसका क्या लगाया मैंने स्क्वायर लगाया, एन कौन सा अपना 3, तो मैंने लिखा 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 कितना हुआ मेरा 8, तो 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है? सेकंड क्या था अपने पास कि n स्क्वायर प्लस 1, तो करें n कितना था अपना कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर कितना है था पहले 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 कितना बना 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया अपना 100। ठीक है, थर्ड क्या था अपने पास 2n का स्क्वायर ना, तो 2n, n किससे रिप्लेस था 3 से, उसका क्या किया हमने स्क्वायर, 2 3 जा कितना बना कि 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है कि 36। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है अपना, है ना।
इसको रीड करो चाहे इसको रीड करो, बात एक ही है, यहाँ ए स्क्वायर ए रहा, बी स्क्वायर ए रहा और सी स्क्वायर अपना ही है, ठीक है। तो 2n, 2n का स्क्वायर कितना है अपने पास 36 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एन स्क्वायर माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन कितना आया अपना 64, एन स्क्वायर प्लस वन कितना आया 100, करके देखें इसको 64 और 36 मिलके 100 बनते हैं और 100 100 के इक्वल होता है, हो गया पाइथागोरस ट्रिप्लेट, बैठ गया सेट। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, उसको नोट डाउन कर लेना बेटा, बने हमारा फॉर्मूला कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लिख लिया हमने एन इक्वल्स टू 4, एन इक्वल्स टू 4 लिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या करना है हमें, एन स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, फिर करेंगे हम लोग एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, फिर करेंगे हम लोग 2n का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने अगर पहले 2n का स्क्वायर निकाल दिया, फिर n माइनस वन का किया, फिर n प्लस वन का किया, हमें तो ओवरऑल फाइनल आंसर से मतलब है, ठीक है। एन किससे रिप्लेस किया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर, 16 में से 1 लेस किया 15 और 15 का स्क्वायर होता है अपना 225। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट में एन स्क्वायर प्लस वन था, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस वन, 16 प्लस वन कितना हुआ 17, और 17 का स्क्वायर कल लिखा था हमने, ना याद है 289, सही जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 2n का स्क्वायर, तो 2 इंटू एन कितना था अपना 4, तो 4 टू जा 8, 8 का स्क्वायर 8 8 64, चेक करें इसको, चेक क्या कहता था अपना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर करूं, या फिर मैं क्या करूंगा इसको, कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2n का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सेम बात ही थी दोनों। चलो 2n की वैल्यू कितनी आई थी कि 64, वो आया था 225 और ये आया था अपने 218 है, करें 982, 289 और 289। तो हमने एक साथ में दो पार्ट किए, हमने इसको चेक भी कर लिया कि हमारा पाइथागोरियन ट्रिप्लेट था या नहीं, और पाइथागोरियन ट्रिप्लेट के केवल एक नेचुरल नंबर देखा था सिंगल, उससे हमने उसके अंदर टू पेयर्स डिफाइन कर दिए, क्लियर है। उम्मीद करता हूं यहां तक का पार्ट आप सबके समझ आया होगा। लक्ष्य दिव्यांशु स्वामी बात करते हैं, हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो बेटा। सर सर जो आप काम करवाना, सर ये कॉपी में ही करना है ना? हाँ कॉपी में ही करना बेटा ये सब कुछ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, बोले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक असाइनमेंट आएगा उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। ओके अमन, हेलो सर, हेलो जी बेटा, सर मुझे लास्ट पोर्शन समझ नहीं आया। क्या चीज लास्ट पोर्शन समझ नहीं आया? यस सर, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका भी। यस सर, ओके। मान लिया मैंने ले लिया एन इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। चलो फर्स्ट क्या करना था हमें कि एन स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, सेकंड करना था एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और थर्ड करना था मुझे 2n का स्क्वायर। ये तो क्लियर थे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। n को कितने रिप्लेस किया हमने 5 से, तो क्या हुआ 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
फाइव का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर इट गिव्स 576। क्लियर है? चलो बढ़ते आगे। 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो ये जाएगा 25 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? किसी को याद है तो चलो एंट्रीज कराते, देखो पूछते हैं किसी से। किसी को भी 26 का स्क्वायर, आर्यन बोल रहा है, देखो आर्यन से बात करते हैं। ऐसा आर्यन, आर्यन आर्यन का जवाब भी नहीं आया है ना, फिर क्या करें अब? आर्यन के बाद कौन आ रहा है? और देखो तो बात करो सर। जयश्री 676। सही है ना बेटे सबके? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्या आता है? 2n, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर इट मीन्स 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है अपना 100। चलिए फॉर्मूले में वेरिफिकेशन करने के लिए 2n का स्क्वायर क्या था हमारे पास? 100। n स्क्वायर माइनस 1 कितना आया था? 576। और n स्क्वायर प्लस 1 कितना मिला था? 676। बन गया है देखो ये 676 इज इक्वल टू 676। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक सबके क्लियर हुआ होगा। अभी भी एक डाउट है, यस का तेरा अंजी बेटा। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। आपने ना इससे पहले वो एक क्वेश्चन करवा रहे थे ना, जिसमें वो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर जैसे 52 का स्क्वायर कितना होता है? हां तो सर आप वैसे क्वेश्चन करवा रहे थे ना, 50 प्लस 2। हां 50 प्लस 2 वाले तो क्वेश्चन कह रहा है तू। तो सर उसके आंसर ना अगर अपन वैसे करवाएंगे तब भी सेम आएगा, और अगर अपन 52 का स्क्वायर करवाएंगे तब भी सेम आएगा। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा 52 का स्क्वायर करवाएंगे डायरेक्ट तो ही आपका रॉन्ग माना जाएगा। देखो 52 मल्टीप्लाई बाय 52 अगर आप करोगे तो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गई आपकी, ठीक है? आपको ये विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन करना है, ये प्रोसेस आपके काम करेगा नहीं। आपको तो प्रॉपर मेथड आप तो ये लगाओगे, या तो 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे इसको a प्लस बी के स्क्वायर से, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 50 प्लस 2 और 50 प्लस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे, ये प्रोसेस भी काम कर जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है? इस तरीके से देखें तो देखो पहले 50 मल्टीप्लाई करेगा किससे? 50 प्लस 2 से। फिर ये प्लस का 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 50 प्लस 2 से। 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया 2500, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके बना 100, फिर 2 को 50 से किया 100, और 2 को 2 से किया 4। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसलिए फॉर्मूला बेस चलोगे कहीं भी कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। 2704। क्लियर? ओके, गुड बाय बेटा, कल की क्लास में मिलते हैं फिर। उम्मीद करता हूँ आज असाइनमेंट पूरा सॉल्व हो जाएगा आपके, ठीक है? ओके।